क्या है पाताल गंगा तालाब का रहस्य और क्या है इससे जुड़ी कहानी, चलिए जानते हैं। आजकल के लोग इस तरह की बातों पे बहुत ही कम यकीन करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि चाहो या आप ना चाहो आपको यकीन करना पड़ता है। इसी तरह की एक जगह है पाताल गंगा तालाब, जो कि मऊ बिहार के पास ही स्थित है। आज से लगभग 450 सालों से लोगों की आस्था का यह केंद्र बना हुआ है। इस तालाब के वजूद में आने की कहानी बेहद ही अजीब है। कहते हैं कि 16वीं सदी में इस स्थान पे एक महान सूफी संत का आगमन हुआ था। उन्हें लोग बाबा मीरा साहा के नाम से जानते थे। धीरे धीरे उस संत की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनके दरबार में हाजिरी लगाने लगे। एक दिन उन महान संत ने दातून करने के बाद उस दातून को एक जगह पर गाड़ दिया। उसके दूसरे ही दिन उस जगह से धीरे धीरे पानी निकलने लगा और इस तरह यहाँ एक तालाब बन गया। और तब से लेकर आज तक इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखा। इस बीच इस क्षेत्र में भीषण अकाल भी पड़ा। सूखा इतना ज्यादा था कि 500 फीट के खोदने पर भी पानी नहीं आता था, लेकिन तब भी यह तालाब लबालब पानी से भरा रहता था। कहते हैं कि पागल कुत्ते का काटा यदि उस स्थान को इस तालाब के पानी से धो दिया जाए तो वह घाव जल्द ही ठीक हो जाता है, और इस बात की पुष्टि गांव के बुजुर्ग आज भी करते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी दूर दूर से लोग कुत्ते के काटने का इलाज कराने यहां आते हैं और काटी हुई जगह पे इस तालाब के पानी से धो देते हैं। कहा जाता है कई बार तो इस तालाब की गहराई को नापने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन गोताखोरों को कभी भी इस तालाब की गहराई का अंत नहीं मिला। कहा जाता है इस तालाब का तल एकदम पाताल तक जाता है, इसीलिए इस तालाब का नाम पाताल गंगा पड़ा। कहते हैं कि पाताल गंगा तालाब का पानी इतना शुद्ध और मीठा है कि कोई भी इसे आराम से पी सकता है। साथ ही माना जाता है इस तालाब के पानी से स्नान करने से कई तरह के चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।